हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन के डायलर से दोस्तों साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, तो दोस्तों आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। यदि दोस्तों कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो दोस्तों यहां पे इस तरह से आवाज आता है, कोई नंबर डायल करते हो तो आवाज आता है, यदि दोस्तों कोई यदि आप मैसेज टाइप करते हो तो भी आवाज आता है, लॉक स्क्रीन होता है तो भी आवाज आता है, कोई भी दोस्तों यहाँ पे ऐप ओपन करते हो, दोस्तों किसी की चैट ओपन करते हो, कुछ भी लिखते हो तो भी दोस्तों आवाज आता है। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे, इस साउंड को दोस्तों कैसे बंद करोगे और नहीं बंद करोगे, तो दोस्तों आपके फोन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बैटरी पे दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताने वाला हूं। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे यदि फालतू का दोस्तों आपके फोन के अंदर ऐसे साउंड आता है तो दोस्तों इससे तो आपके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज होती है। दूसरा यहां पे दोस्तों ये यदि कोई दोस्तों बार बार यहाँ पे साउंड आता है तो कोई परेशान भी होता है, इरिटेट हो जाता है, या दोस्तों आप ही हो जाओगे बार बार साउंड आने से, तो दोस्तों आप इसे ठीक कैसे करोगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे यदि अपने फोन का दोस्तों सेटिंग ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का फीचर्स मिलता है। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ से कुछ भी किया, जैसे कि मान लो आपने यहाँ से इसका साउंड ऑन ऑफ कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, तो दोस्तों यहाँ से आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व नहीं होगी और भी दोस्तों बढ़ जाएगी। और दोस्तों यदि आपने यहाँ से इसे बंद कर दिया तो दोस्तों आपका फोन रिंग करना भी बंद कर देगा, कहीं से भी फोन आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस चीज को तो आपको छूना ही नहीं है। यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे छूने ही नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पे एक अलग से फीचर्स मिलता है, मोर साउंड एंड हैप्टिक्स, आपको यहाँ पे ध्यान से देखने हैं। यदि दोस्तों इस फीचर्स को आपका फोन, जैसे कि मान लो मैं जिस फोन के अंदर बता रहा हूँ ये हो सकता है अलग कंपनी का है, आपका फोन अलग कंपनी का है, तो दोस्तों आप इसे कैसे ढूंढोगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे सेटिंग के सर्च बार में आना है, यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन लिख के आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन लिख के सर्च करोगे तो भी दोस्तों ये जो फीचर्स है ना आपके फोन के अंदर दोस्तों इजीली मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट साउंड, यहाँ पे लॉक स्क्रीन साउंड, यहाँ पे इस तरह से दोस्तों जो है ना फीचर्स आपको अलग अलग, यहाँ पे लॉक स्क्रीन साउंड, यहाँ पे इसे एक एक करके आपको बंद करना पड़ेगा, जो कि आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। बट दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही जगह ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको लिख के क्या सर्च करना है, स्क्रीन। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो फीचर्स आएगा ये ऊपर वाला नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे ये वाला फीचर्स, यहाँ पे स्क्रीन शॉट साउंड, यहाँ पे यदि आपने इस फीचर्स को दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे सबको इस तरह से बंद कर देना है। यदि आप चाहते हो कि डायलर के अंदर दोस्तों टोन ना बजे तो आप इसे बंद कर देना, लॉक स्क्रीन करते हो तो साउंड ना करे तो भी बंद कर देना, स्क्रीन शॉट लेते हो तो भी साउंड ना करे, कोई भी चीजें डिलीट करते हो तो साउंड ना करे, टच को छूते हो तो दोस्तों साउंड ना करे तो आप इसे भी इजिली बंद कर देना, और आप चाहते हो कि वाइब्रेट एंड आपका फोन टच करो तो वाइब्रेट ना करे तो दोस्तों आप इसे भी बंद कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों आपके फोन की जो बैटरी है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, ज्यादा देर तक चलेगी और दोस्तों उसकी जो बैटरी हेल्थ है ना दोस्तों वो भी बनी रहेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से सारे के सारे बंद नहीं करना, आप अपने हिसाब से चाहो तो सेट कर सकते हो किसे बंद करना है किसे ऑन रखना है। जैसे कि मान लो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे दोस्तों डायल वाला चाहता हूँ कि ऑन रहे बाकी बंद रहे, यहाँ पे मैं कोई नंबर डायल करूँ तो यहाँ पे ये ऑन रहे बाकी सब यहाँ पे बंद रहे, तो दोस्तों इस तरह से ये ऑन कर सकते हो। जब आप कोई यहाँ पे नंबर डायल करो तो दोस्तों आपका फोन जो है ना यहाँ पे साउंड करेगा, टोन करेगा, बाकी दोस्तों यदि आप अपने फोन के अंदर कोई भी ऐप ओपन करोगे, कुछ भी ओपन करोगे तो दोस्तों साउंड नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है तरीका, आप अपने फोन के अंदर दोस्तों बाकी के साउंड को बंद कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फैमिली परिवार में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।